हंताड़म रमो सिधाड़म रमो आयरियाड़म रमो वझायाड़म रमो लोए सब साहुरम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गातमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम् प्रदानम् सर्वधर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम् आचार्य पूजपाद द्वारा रचित इष्टोपदेश नामक ग्रंथ अपन समझ के सभी के समक्ष विराजमान है। काफी चर्चा इस पर अपनी हो चुकी है और कल एक बहुत सुंदर विषय अपन ने यहाँ पे लिया था। क्या विषय लिया था? आचार्य ने एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? कि भाई साहब, विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न देशों से, दिग्देशेभ्य, विभिन्न दिशाओं और विभिन्न देशों से अनेक प्रकार के पक्षी आकर एक वृक्ष पर निवास करते, बराबर। और रात्रि के पश्चात प्रातः होते ही अपने अपने कार्यवशात क्या करते हैं कि कार्य के लिए अन्य अन्य विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न देशों में गमन कर जाते हैं, बराबर। ऐसे ही अपने साथ क्या होता है, अपने जीवन में क्या होता है कि विभिन्न गतियों से, विभिन्न परिणाम को लिए हुए अनेक प्रकार के जीव अन्य अन्य गतियों से आकर एक स्थान पर मिलते हैं। आयु की समाप्ति जब तक ना हो तब तक एक स्थान पर रहते हुए दिखाई भी देते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि आयु की समाप्ति होने पर विभिन्न गतियों में अपने अपने योग्यता के अनुसार उस गति में जितने कर्मों का बंधन जिस प्रकार से किया होगा, आयु का बंधन जिस प्रकार से किया होगा, तो अगले समय में आयु पूर्ण होने पर उस गति में अपनी परिणाम को लिए हुए चले जाते हैं, बराबर। ये पूरा श्लोक कल 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 अपन ने देखा था, ठीक है। पक्षीगण दिशाओं से और देशों से आकर वृक्षों पर निवास करते हैं और प्रातः काल होने पर अपने अपने कार्यवशात देशों और दिशाओं में चले जाते हैं, बराबर। इसका भावार्थ भी अपन ने कल पढ़ लिया था। अब आगे शिष्य को थोड़ा और दृष्टांत दिया जाता है। अब आगे जो शिष्य है, जो मोह से पीड़ित है, जिसे मोह से पीड़ित होने के कारण बात समझ में नहीं आ रही है, तो भांति भांति के उदाहरण आचार्य दे दे रहे हैं। तो उसमें अब क्या कहते हैं, तो आचार्य देव कहते हैं कि अहित वर्ग के संबंध में भी मैं दृष्टांत दूंगा। क्या बोला? अहित वर्ग, जो हमारा शत्रु वर्ग है, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, तो उनके संबंध में भी मैं थोड़ा दृष्टांत दूंगा, ठीक है। ऐसा भाव कि शत्रुओं के प्रति यह हमारा शत्रु है, अहित करता है, ऐसा भाव अज्ञान जनित है, यह दृष्टांत द्वारा आचार बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? कि भाई साहब, यह मेरा शत्रु है, ऐसा सोचना, ऐसा विचारना, यह अज्ञान भाव है, अज्ञान जनित भाव है। अब ऐसा आचार्य ने क्यों बोला? देखो, अपन इसको श्लोक के माध्यम से देखते हैं।
विराद कहा कथम हंत्रे जनाये परिकुप्यति त्रैगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडे न पात्यते। देखो क्या बोलते हैं, अन्वयार्थ पढ़ता हूं। जो विराधक है, जिसने पहले अन्य को हैरान किया था, दुख दिया था, ऐसा पुरुष क्या बोला कि कोई विराधक है, जो विराधना करके आया है वो विराधक। विराध का मतलब क्या कि जो विराधना करके आया है वो विराधक, और विराधना करके आया है का मतलब क्या कि जिसने पहले किसी दूसरे को कष्ट दिया था वो है विराधक। जिसने पहले दूसरे को कष्ट दिया था वो इस जन्म में आया है, इस भव में आया है, वही जीव है विराधक। ठीक है, तो ऐसा विराधक वर्तमान में अपने को मारने वाले पुरुष के प्रति, ठीक है, कोई विराधक, विराधक मतलब जिसने विराधना की है, वह वर्तमान में कोई उसे मारे तो उसके प्रति क्यों क्रोध करता है। ये अन्वयार्थ पढ़ रहा हूं मैं, बराबर। विराधक, विराधक मतलब जिसने पहले अन्य को हैरान किया था, दुख दिया था, ऐसा पुरुष वर्तमान में अपने को मारने वाले मनुष्य के प्रति क्यों क्रोध करता है। अरे त्रैंगुल को पैरों से नीचे गिराने वाला मनुष्य स्वयं दंड द्वारा नीचे गिरता है। देखो सामान्य सा अर्थ, लेकिन हम आचार्य क्या कह रहे हैं, आचार्य ने बहुत सामान्य भाषा में कहा कि कोई विराधक जीव है और उस विराधक जीव को कोई पुरुष आके मारता है, तो आचार्य पूछते तुम उस पर क्रोध क्यों करते हो, क्यों क्रोध कर रहे हो कि भाई साहब अगर त्रैंगुल है और त्रैंगुल को आप खुद नीचे गिराओगे, त्रैंगुल भी आपको नीचे गिरा देगा। अब इसका मतलब क्या है, त्रैंगुल क्या होता है कि खेती करने के लिए अपन औजार इस्तेमाल करते हैं ना, खेती करने के लिए जिसमें नोक निकली रहती है ऐसी बहुत सारी, क्या फरसा कहते हैं, फरसा नहीं, हल टाइप का कहते हैं, हाँ कांटे टाइप के होते हैं और खेती के लिए अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, अर्थ तो समझ गया, तो उसे अपन ने कहा त्रैंगुल, बराबर। तो कोई किसान जब त्रैंगुल को नीचे पटकता है तो आचार्य कह रहे हैं कि भाई साहब सिर्फ त्रैंगुल को नीचे नहीं पटकता, त्रैंगुल किसान को भी नीचे झुका देता है। बिना नीचे झुके किसान के त्रैंगुल नीचे नहीं गिर सकता, अर्थात त्रैंगुल से वो काम नहीं ले सकता। अगर त्रैंगुल से काम लेना है तो किसान को भी झुकना पड़ेगा, त्रैंगुल को काम में लेना है तो किसान को भी नीचे गिरना पड़ेगा। ये उदाहरण दे रहे हैं आचार्य, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। क्या बोल रहे हैं कि अगर त्रैंगुल को पैरों से नीचे गिराने वाला पुरुष स्वयं दंड द्वारा नीचे गिरता है, डंडा पकड़ा होता है ना उसने, तो त्रैंगुल को नीचे गिराया और डंडे ने क्या किया, डंडे ने किसान को नीचे गिराया। नीचे गिराया मतलब झुका दिया, क्योंकि बिना नीचे झुके आप उससे काम कर नहीं सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो जैसे कोई किसान त्रैंगुल को नीचे गिराता है तो उसे स्वयं नीचे गिरना पड़ता है, ऐसे ही क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ही जो पुरुष दूसरों के प्रति कषाय करता है, दूसरों को कष्ट देने की भावना रखता है, सर्वप्रथम उसे स्वयं ही नीचे गिरना पड़ता है, स्वयं ही कषाय में जलना पड़ता है, स्वयं ही अपने आप को कष्ट देना पड़ता है, तब जाके दूसरों को कष्ट दे पाते हैं। देखो जगत का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्या अगर आपको दूसरों को सुखी करना है, अगर आपको दूसरों को प्रसन्नता देनी है तो आपको स्वयं प्रसन्न होना पड़ेगा, और आपको अगर दूसरों को दुख देना है तो उसके लिए पहले आपको खुद दुखी होना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई कठिनाई नहीं है। क्या लॉजिक है, क्या बात बोली, अगर आपको जीवन में किसी को सुख देना है, किसी को प्रसन्न करना है, तो आपको पहले खुद प्रसन्न होना पड़ेगा तभी दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे सकते, बराबर। और दूसरा क्या बोला, यदि आपको जीवन में दूसरों को दुख देना है तो पहले स्वयं दुखी होना पड़ेगा तभी दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। हाँ अच्छा, हाँ ये भी बहुत बड़ी बात, क्या
कि हम देना तो चाहते हैं, लेकिन दूसरा दुखी हो या ना हो ये भी हम नहीं कह सकते। आपको तो दुखी होना पड़ेगा। दादा ने कितना सुंदर उदाहरण दिया है क्रोध के लिए कि भाई साहब किसी का कोई हमारा शत्रु सामने से जा रहा था, हमारा मन कर गया कि इसको तो जलाना है, क्या करना है जलाना है, तो उसने बगल में अंगारे पड़े थे, क्या बोला अंगारे पड़े थे, अब अंगारों के माध्यम से सामने वाले को मारना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि भाई अंगारे उठाने पड़ेंगे। अब अंगारे उठाने हैं तो स्वयं जब तक नहीं जलेगा, अंगारों से जब तक अपने हाथ नहीं जलाएगा तब तक दूसरों को नहीं जला पाएगा। और चलो ठीक है अंगारे उठा लिए, खुद के हाथ भी जला लिए कि भले ही कुछ भी हो जाए, मैं कितना ही दुखी हो जाऊं सामने वाले को दुखी करूंगा, लेकिन अंगारे उठा लिए और सामने वाले पे फेंके, लेकिन ये बात की कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाले पे फेंके हैं उसी पे जाके गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब सामने वाले पे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अपने हाथ जलेंगे ये पूरी नक्की बात है, ये तो नक्की बात है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अपने हाथ तो जलने ही वाले हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चारों ही कषायों में ऐसी बातें हैं, चारों ही कषायों में, क्रोध मान माया लोभ। जैसे अंगारे को उठाने पर अपने हाथ तो जल ही जाते हैं, ये तो नक्की है पक्की है, इसमें कोई फेर बदल नहीं है। अब सामने वाले का क्या हो, उस पे अंगारे पड़े कि नहीं पड़े, वो दुखी हो या ना हो, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। बोलो राजा श्रेणी, जब इतना क्रोध का उदय आया, इतना क्रोध किया तो क्या हुआ, अरे खुद तो जले ही, खुद जले कि नहीं जले, और खुद इतने जले कि नरकायु का बंधन कर लिया, तो खुद को तो जली गए, लेकिन सामने जो मुनिराज बैठे हुए थे वो जल पाए क्या, जिनको दुखी करना चाहते थे उनको कुछ भी हुआ क्या? अरे उन्होंने तो जैसे ही अपनी आंखें खोली तो दोनों को समान रूप से कि भाई तुम्हारी भी धर्म में वृद्धि हो, तुम्हारा भी कल्याण हो, उन्हें तो कोई दुखी नहीं हुआ, वो तो और प्रसन्न थे, उनकी तो कर्म की निर्जरा हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी जगत का सिंपल सा सिस्टम क्या है कि अगर आपको दूसरों को प्रसन्न करना हो, सुखी करना हो, तो पहले स्वयं प्रसन्न होना पड़ेगा तभी कर पाएंगे, दूसरों को प्रसन्न भी नहीं कर पाएंगे अगर हम स्वयं प्रसन्न नहीं है तो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको पता है एक बात कही जाती है, रत्नकंड श्लोकाचार में आया, सबसे अधिक प्रभावना कौन करता है, सबसे अधिक प्रभावना कौन करता है? तो एक सामान्य सा उदाहरण दिया जाता है कि भाई लाखों पुरुष हो, लाखों व्यक्ति हो, ठीक है, सिर्फ नामधारी जैन हो, वो जितनी दम से प्रभावना करे कि नहीं हम तो रैली निकालेंगे, हम तो जगह जगह जाके बैनर चिपकाएंगे, तो हजारों पुरुषों की संख्या हो लेकिन सिर्फ नामधारी जैन हो, वो जितनी प्रभावना कर पाते हैं उनसे अधिक एक सामान्य व्रति श्रावक करता है। क्या बोला? उनसे अधिक प्रभावना एक सामान्य व्रति श्रावक करता है, या आवृत्ति को ले लो, उससे अधिक एक सम्यक दृष्टि व्रति श्रावक करता है, उससे अधिक मतलब ऐसे, मतलब ऐसे गुणा करते जाना, ऐसे हजारों मिल जाए तब जाके एक व्रति श्रावक कर लेगा, ऐसे हजारों व्रति श्रावक मिल जाए तो उससे ज्यादा एक सामान्य मुनिराज प्रभावना करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ऐसे हजारों मुनिराज मिल जाए तो बस हमें एक अरे अपने अरिहंत परमेश्वर चाहिए, वो इन सभी से अधिक प्रभावना कर लेता। क्यों? अब आप कहोगे कि भाई व्रति श्रावक तो एक और यहां पे हजारों की भीड़, वो एक क्या प्रभावना करेंगे जो यहां पर हजारों नहीं कर पा रहे? तो आपको पता है इतिहास जो होता है बस एक ही व्यक्ति परिवर्तित करता है, बाकी हजारों तो उसको पीछे फॉलो करने वाले होते हैं। अरे जो अंदर से खुद प्रेरित नहीं होगा वो दूसरों को प्रेरणा नहीं दे पाएगा। हम भीड़ तो जुटा लेंगे, हजारों की भीड़ जुटा लेंगे, लेकिन अगर अंदर से प्रेरणा नहीं आएगी तो दूसरों को प्रेरित नहीं कर पाएंगे। दूसरों को प्रेरित करने के लिए अंदर से प्रेरणा होना चाहिए। जो व्रति श्रावक है, सम्यक दृष्टि है, वो अंदर से उसे पता है कि मैं जो बात बोल रहा हूं उसको श्रद्धा है उस चीज का,
और जिस चीज पर श्रद्धान होता है उसकी वाणी अलौकिक होती है, तेजमय होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति खड़ा करो और एक ही बात बुलवाओ, अगर एक को उस बात पर श्रद्धान नहीं है तो उसकी वाणी में वो निडरता नहीं आ पाएगी। हाँ, निडरता नहीं होगी, वो एक जो कहते हैं ना आत्मविश्वास, आत्मविश्वास नहीं होगा। बोल तो रहा है लेकिन अगर उस पर श्रद्धान नहीं है तो आत्मविश्वास नहीं होगा। लेकिन अगर कोई उस पर श्रद्धान करके बोल रहा है, अपने अनुभव से बोल रहा है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो वो निडरता से बोलता है। हाँ, आप देखना दो व्यक्ति एक ही जैसी बातें बोले लेकिन एक की बात में दम दिखती है, एक की बात में दम नहीं दिखती। एक की बात को सुनकर तो ऐसा लगता है कि हाँ बात सही है, एक की बात को सुनकर लगता है कि चलो ठीक है होगा, बात एक जैसी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी बात में दम दिख रही है उसने उसके संबंध में विचार किया है, चिंतन किया है, श्रद्धान किया है, या फिर अनुभव से बातें आ रही है, तो इतनी निडरता से, इतने आत्मविश्वास से बोल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए जो स्वयं प्रेरित होते हैं वही दूसरों को प्रेरित कर पाएंगे, जो स्वयं प्रेरित नहीं है वो दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए क्यों बोला? क्योंकि भाई साहब अगर दूसरों को प्रसन्नता देनी है तो स्वयं प्रसन्न होना पड़ेगा, दूसरों को प्रेरणा देनी है तो स्वयं प्रेरित होना पड़ेगा। एक गुरुदेव श्री का उदाहरण आता है ना कि कोई महिला आई कि भाई साहब हमारा जो बेटा है गुड़ बहुत खाता है, सुना होगा? हाँ, गुड़ खांड जो भी है, तो गुड़ बहुत खाता है, तो आप इसको समझाइए कि ये गुड़ कम कर दे, गुड़ ज्यादा सेवन ना करे, क्योंकि गुड़ ज्यादा खाएगा तो बेचारा बीमार हो जाएगा। तो गुरुदेव श्री ने क्या कहा कि एक हफ्ते बाद आना। क्या बोला? अभी नहीं बोल रहा हूं, एक हफ्ते बाद आना। तो महिला को तो समझ में नहीं आया, तो फिर एक हफ्ते बाद वो अपने बेटे को लेके आई और उस दिन गुरुदेव श्री ने बड़ा समझाया उसको कि गुड़ नहीं खाना चाहिए और जो जो करके समझाया। अब समझा दिया, अब महिला को ये प्रश्न हुआ कि उसी दिन समझा रहे थे, ऐसा कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं है। वही गुरुदेव श्री वहीं पे बैठे हैं, वो उसी चौकी पे बैठे हैं, और 5 मिनट की बात थी, और बच्चे को हम उस दिन भी लेके आए थे, आज भी लेके आए, अंतर क्या पड़ गया? बाद में पूछा तो क्या बोला उन्होंने कि अरे आप जो बात कह रहे थे कि मैं बच्चे को समझाऊं, उसका सेवन मैं खुद स्वयं करता था, जब तक मैं जिस चीज का सेवन करता हूं उसका उपदेश मैं कैसे दे सकता हूं? अच्छा, उपदेश अगर मैंने दे भी दिया तो मेरी बातों में वजनदारी क्या रहेगी, मेरी बातों में निडरता क्या रहेगी, क्या आत्मविश्वास रहेगा? और जिस हाँ जिस चीज को मैंने स्वयं किया, जब मैंने छोड़ा, अब मैं निडरता से बोल सकता हूं कि भाई साहब ऐसा नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिस चीज के लिए मैं स्वयं तैयार ना हूं, जिसको मैं स्वयं करता हूं, मैं बोल भी दूंगा लेकिन अगर आत्मविश्वास से नहीं निकलेंगे तो वो बच्चों के हृदय में नहीं जाएंगे, हृदय तक बात नहीं पहुंचेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए सामान्य सा लॉजिक क्या है कि अगर दूसरों को प्रेरित करना हो, दूसरों को प्रेरणा देना हो तो स्वयं प्रेरित होना पड़ेगा, दूसरों को प्रसन्न करना हो तो स्वयं प्रसन्न होना पड़ेगा। देखो ये अपन ने जो बात बोली ना, सम्यक दृष्टि अधिक प्रभाव ना करता है, इसका मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि अधिक प्रसन्न होता है तो उसके चेहरे से, उसको बस देख के सामने वाला प्रसन्न हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, क्या बराबर बराबर, मतलब इस ये मान्यता नहीं करनी अपन को कि भाई साहब मैं दूसरों को प्रसन्न कर दूंगा या मैं दूसरों को दुखी कर दूंगा, ये सहज संबंध है कि भाई साहब यदि आप ज्यादा प्रसन्न हो गए तो आपके निमित्त से, वास्तव में आ रही कि नहीं आ रही, आपके निमित्त से प्रसन्नता ज्यादा लोगों, तो ये व्यवहार की दृष्टि है कि हम दूसरों को ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस से आत्मविश्वास से बात बता सकते हैं। वास्तव में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे महावीर स्वामी का दृष्टांत आता, 5 नाम थे महावीर स्वामी के, एक सन्मति नाम रखा गया, क्यों रखा गया था? एक सन्मति नाम था उनका, 5 नाम थे उनके, क्योंकि 2 मुनिराज आकाश से जा रहे थे
और उनको सिर्फ देखते हुए उन्होंने सिर्फ दृष्टि पड़ी, उन्हें उत्तर मिल गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब मुनिराज को एक प्रश्न हुआ, ठीक है, प्रश्न था तो सोचा, चर्चा चल रही थी तो प्रश्न था उनके मस्तिष्क में, बस उन्होंने दृष्टि डाली, उन्हें प्रश्न का उत्तर मिल गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो अंदर से स्वयं इतना ज्ञानवान होगा, ज्ञानवान सिर्फ ज्ञानवान की बात नहीं है, जिससे अपने ज्ञान पर श्रद्धान होगा, जो स्वयं अपने श्रद्धान से प्रसन्न होगा, क्या बोला, स्वयं ज्ञानवान होगा, अपने ज्ञान पर श्रद्धानी होगा कि हाँ बात ऐसी ही है, और उस श्रद्धान से जो प्रसन्न होगा उसके निमित्त से ही प्रसन्नता वितरित हो सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जितने ज्यादा जीव स्वयं प्रसन्न होगा उसके निमित्त से उतनी ज्यादा प्रसन्नता वितरित होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब आप एक दुखी व्यक्ति के बीच में रह के आसपास से कहो कि सब सुखी हो, भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध है सामान्य, ऐसा कोई त्रिकालिक नियम नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक सामान्य नियम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी इसलिए कहते हैं कि प्रसन्नता वितरित करने के लिए स्वयं प्रसन्न होना पड़ेगा, प्रेरणा देने के लिए स्वयं प्रेरित होना पड़ेगा। ऐसे ही अपन तो दूसरी चर्चा कर रहे हैं यहां पर। क्या चर्चा कर रहे हैं? कि दूसरों को दुखी करने के लिए, दुख देने के लिए, दुख देने की भावना के लिए स्वयं दुखी होना पड़ेगा। अब दूसरों को दुखी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो बात की बात है, ये तो दूर की चीज है, लेकिन अगर दुखी करने की भावना भी है तो स्वयं तो पहले दुखी होना ही पड़ेगा। भाई साहब, दूसरों के लिए हमने गड्ढा खोदा है, क्या किया है, बड़ी मेहनत की है हमने। भाई साहब, किसी व्यक्ति को गड्ढे में गिराना, कैसे गिराएं? तो सबसे पहले हमने रात में जग के अपनी नींद खराब करके गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदा कितना, 1 मीटर 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा। हाँ, बड़ी मेहनत करी, एकदम पसीने पसीने हो गए, इतनी मेहनत करके थक गए, गड्ढा खोदा, फिर उसको प्रॉपर प्लानिंग करी। प्लानिंग में हमने अपने 2 दिन बराबर 2 दिन दिए प्लानिंग को, कुछ काम नहीं किया, 2 दिन प्लानिंग करी हमने कि कैसे इस व्यक्ति को यहां तक लेके आना है, कैसे गिराना है, कैसे सब कुछ करूंगा, अगर नहीं आया तो क्या होगा। उतनी देर तक मैंने अच्छे से भोजन भी नहीं किया, कहीं पे ध्यान नहीं गया, ना दुकान पे ध्यान गया, ना खाने पे ध्यान गया, घर में भी अपने बच्चों को डांट दिया, मन भी नहीं लग रहा था किसी काम में, क्यों, उस व्यक्ति को तो गड्ढे में गिराना ही है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई साहब 2 दिन के लिए वो तो मुंबई गया है, और 2 दिन के लिए अगर मुंबई गया है तब तक तो गड्ढा भरना पड़ेगा, नहीं तो कोई और आके गिर गया तो हम पे मुसीबत आ जाएगी, तो वापस फिर उस गड्ढे को भरा। हाँ बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या है उदाहरण का अर्थ कि भाई साहब अगर दूसरों को कष्ट देने की भावना है, दूसरों का बुरा करने की भावना है, तो दूसरों का बुरा हो या ना हो बाद की बात है, भवितव्य के अधीन है, उसकी योग्यता, उसके पुण्य पाप, उसका पाप का उदय नहीं होगा तो लाख चाहने पर भी उसका बुरा नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लाख चाहने पर भी उसका बुरा नहीं हो पाएगा, लेकिन सिर्फ हमारे परिणामों के कारण हम अपना बुरा तो निश्चित रूप से करेंगे ही, निश्चित रूप से करेंगे। ऐसी चारों कक्षाओं पर घटित हो सकता है, क्रोध मान माया लोभ, बोलो मायाचारी करके आदि हम अधिक संपत्ति अधिक प्रसन्नता भी कमाना चाहें, लेकिन अगर हमारे पुण्य का उदय नहीं होगा, हमारी यशस्वी कीर्ति प्रकृति का उदय नहीं होगा, तो कितनी ही मायाचारी कर लो, कितनी ही मायाचारी कर लो, अगर प्रसन्नता यदि यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है, कितनी ही मायाचारी कर लो यश नहीं मिल पाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि भाई साहब कार्य तो किसी और ने किया है, लेकिन हम अपना नाम जोड़ दें कहीं से तो हमारा नाम आ जाए, कार्य मेहनत किसी और ने करी है लेकिन हम भी सामने जाके खड़े होगा कि भाई हमने भी करी है। अगर यशस कीर्ति पुण्य का उदय नहीं होगा, कितनी ही मायाचारी कर लो, क्या होगा कि यश की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन एक चीज जरूर हो जाएगी, क्या होगा कि हमने जो परिणाम वहां पे मायाचारी के करे
तो यश तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अपयश प्रकृति का बंधन जरूर हो जाएगा। सामने वाला हमारी तारीफ करे या नहीं करे वो तो बात की बात है। चलो गलती से यशस कीर्ति पुण्य का उदय आ भी गया उस समय पर, मायाचारी करने पर थोड़ा बहुत हीन जाति का पुण्य मिल भी गया, लेकिन बहुतायत क्या होगा कि वो अपयश कीर्ति जो कर्म है उसका बंधन जरूर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लोभ करने से क्या होगा, अधिक लोभ हमने कर भी लिया, बहुत लोभ कर लिया कि ये वस्तु तो हमें चाहिए, ये वस्तु तो हमें चाहिए, तो क्या होगा कि भाई साहब वो वस्तु तो अपने पुण्य खर्च करने पे मिलती है, तो अगर उस जाति का पुण्य होगा तो वस्तु मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन यदि हम लोभ करते रहे कि नहीं हमें तो चाहिए हमें तो चाहिए, तो क्या होगा कि वस्तु मिले या नहीं मिले वो तो बात की बात है। क्या बोला? वो तो बात की बात है। चलो किंचित बहुत सारे पुण्य के एकदम से उदीर्णा हो गई हो तो कदाचित वो वस्तु प्राप्त भी हो जाए या फिर नहीं भी हो, मैं क्या कह रहा हूं, वो तो बात की बात है, उसमें तो बाद में सोचा जाएगा कि वस्तु प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही। लेकिन यदि लोभ कर लिया तो उसका तो बंधन होगा ही, वो तो निश्चित है। वस्तु प्राप्त होगी कि नहीं होगी वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है, लेकिन लोभ करने पर बंधन अवश्य होगा ये बात निश्चित है। देखो सबसे प्यारा उदाहरण है इसका, हम सभी ने सुना हुआ है, अपन ने बालवोध इत्यादि में एक पोयम पढ़ी है, सभी ने पढ़ी होगी, बच्चों को भी पढ़ाई होगी। कौन सा? गुड्डू एक लड्डू को पाकर, पढ़िए सभी ने, सभी ने सुनी है, बच्चों को भी पढ़ाई है। क्या है उस, क्या है कहानी में, क्या है कि भाई गुड्डू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जाके। भाई एक गुड्डू नाम का बच्चा था, मम्मी ने लड्डू बनाए थे, सब एक जैसे लड्डू थे, बहुत सारे बच्चे थे उस घर में, तो उसको भी एक लड्डू मिल गया। लेकिन रोने क्यों लगा वो कोने में जाकर कि भाई मेरा लड्डू छोटा भाई, सुनी है ना सभी ने, तो भाई मेरा लड्डू छोटा भाई, बड़ा मिले तो खाऊं भाई। क्या किया इसने यहां पे कि लोभ कषाय कर ली। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ध्यान से सुनना, पूरी बात घटित होगी यहां पे। क्या किया उसने? लोभ कषाय कर ली। अब लोभ वो ही बात यहां पे लगानी है अपन को, लोभ कषाय करने के पश्चात वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो निश्चित नहीं है, पक्का है ना, ये तो निश्चित नहीं है। क्या निश्चित है कि उसका फल जरूर मिलेगा, उससे बंधन अवश्य होगा। तो उसने क्या किया कि भाई मेरा लड्डू छोटा भाई, बड़ा मिले तो खाऊं भाई। फिर क्या हुआ, इतने में एक बिच्छू आया। हाँ, पूरी घटना तो पता ही है आपको, इतने में एक बिच्छू आया, डंक लगा तो रोया गुड्डू, चूहे खा गए उसका लड्डू। सुनिए कि नहीं सुनिए, सबने पढ़ी भी है, सुनी भी है और बच्चों को पढ़ाई भी है। क्या अर्थ है इसका कि भाई साहब अच्छा खासा लड्डू मिल रहा था, ऐसा कोई छोटा भी नहीं था, बराबर लड्डू ने बनाए थे। लेकिन ऐसा होता है ना कि दूसरों पे की थाली में रखी हुई सामग्री अभी हमेशा ज्यादा दिखती है। क्या बोला? सामग्री सब बराबर होती है, लेकिन संस्कृत में बोलते हैं परस्थाल्यम, जो सामग्री होती है दूसरों की थाली में रखी हुई सामग्री हमेशा ज्यादा दिखती है। हाँ, दूसरों की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो लड्डू तो सारे बराबर थे, लेकिन उसे लगा कि नहीं मेरा तो छोटा है। अब इसने यहां पे कर लिया लोभ, किया कि नहीं किया? बात समझ में आ रही? लोभ कषाय हो गई यहां पे, चौथी कषाय। अब जैसे ही लोभ कषाय करी, चाहिए था इसको बड़ा लड्डू, लेकिन इसके कारण क्या हुआ कि वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो कोई नक्की नहीं है, ये तो पूर्व के पुण्य के उदय से है। भाई माँ, चलो पुण्य का उदय आ जाता, माँ का हृदय पसीज जाता, एक और लड्डू दे देती, लेकिन पुण्य का उदय नहीं आया। तो वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोई नक्की नहीं है, लेकिन अब किया इसने लोभ कषाय, तो लोभ कषाय के कारण जो पहले की पाप प्रकृतियां थी, इसने कहा चलो पाप प्रकृतियों से कि अभी तुम आ जाओ, अभी तुम्हारा न्योता दे देते हैं तुम्हें, तो पाप प्रकृतियों को और बुला लिया इसने और नवीन प्रकृतियों का और बंधन कर लिया। तो जो पुण्य के निमित्त से लड्डू मिलने वाला था वो भी चला गया। वो किसके निमित्त में चला गया? भाई चूहों का पुण्य आ गया होगा,
तो अच्छे घी वाले लड्डू चूहों के पुण्य में पेट में चले गए, उन्हीं का पुण्य था। हाँ, और उसने इतने संकलेश परिणाम कर लिए, लोक कषाय कर ली कि नान जितना लड्डू मिलना था वो भी नहीं मिला, और ऊपर से बिच्छू और काट के चला गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पूरी बात घटित हो रही है कि नहीं हो रही? बात समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या समझना है? कि भाई साहब, किसी भी कषाय द्वारा, कैसे भी परिणाम द्वारा, सामने की वस्तु वैसी हो या ना हो, अपनी कषाय, अपने बंधन तो वैसा हो ही जाएगा। सारे उदाहरण लगा लेना अंगार से, भाई अंगारे का उदाहरण दिया कि नहीं दिया? दूसरों पे अंगार फेंकना चाहो तो दूसरों पे गिरे नहीं गिरे बात की बात है, स्वयं के हाथ तो जली जाएंगे। बोलो, मायाचारी का हो गया, लोभ का हो गया, मान का, भाई मान कषाय से हम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं? भाई मान कषाय है कि हम बड़े, लेकिन वही बात है कि हम कितना ही मान कषाय कर ले कि हम अपने आप को बड़प्पन दिखाना चाहें, लेकिन भाई साहब पल्ले पुण्य नहीं है तो क्या करेगा? हाँ, बड़प्पन भी लघुता से आती है। क्या बोला आपने? कहा कि दोनों विपरीत चीज है, बोल दिया आपने। तो बड़प्पन भी लघुता से आता है। व्यक्ति जितना ज्यादा नम्र होगा, जितना ज्यादा लघु होगा, बड़प्पन उतना ज्यादा होगा। बोलते कि नहीं बोलते? एक कहानी आती कि नहीं आती कि दो वृक्ष थे, पेड़ थे, दो वृक्ष थे आपस में खड़े हुए थे। एक दिन तो वो जो एकदम ही स्ट्रेट दो वृक्ष कैसे थे, एक तो ऐसा था घूमता हुआ थोड़ा सा, ऐसा ऐसे वृक्ष होता ना जो एकदम सीधा नहीं होता है, तो एक वृक्ष था जो बिल्कुल ही सीधा था, और दूसरा वृक्ष कैसा था कि आराम से नम्र था थोड़ा। तो जो एकदम ही सीधा कठोर वृक्ष था ना, वो एकदम चिकने वाले पेड़ होते, देखे होंगे आपने। हाँ, तो वो हमेशा दूसरे वृक्ष को चिढ़ाता रहता था कि देख मुझे, देख मैं कितना एकदम साफ सुथरा हूं, एकदम स्ट्रेट हूं, मुझे तो कोई झुका नहीं सकता, और तू देख तेरे को तो सब, तू तो झुका ही हुआ है, तुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता। फिर क्या हुआ एक दिन कि भाई साहब उसने मान कर लिया था, उस पेड़ ने मान कषाय कर ली थी। अब मान कषाय के कारण उसको प्रसन्नता मिले ना मिले, कोई उसे अच्छा माने कि ना माने, लेकिन क्या होगा, ये बात तो बात की, मान कषाय कर ली ये बात तो बात की, लेकिन उसी समय परिणाम तो कर लिया, तो बंधन भी होगा, बंधन होगा तो उदय भी आएगा। तो क्या हुआ कि एक दिन आया पेड़ काटने वाला, और पेड़ काटने वाले को सबसे अच्छा कौन सा पेड़ लगता है? जो जितना सीधा होता है वो उतना अच्छा लगता है। हाँ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो जो झुकेगा नहीं, यदि झुकोगे नहीं तो काट दिए जाओगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जो नम्र था उसको उसने छुआ भी नहीं, क्यों? अरे भाई साहब, इसका हम क्या करेंगे, ये तो नम्र है, ये तो झुका हुआ है। अच्छा, जितने ज्यादा वृक्ष झुके हुए होते हैं उनपे फल भी उतने ज्यादा लगते हैं। एक संस्कृत में बहुत श्लोक चलते हैं, नम्री भूत, जिनमें फल लगते ना वो पेड़ नम्री भूत हो जाते हैं, वो झुक जाते हैं, और जिनमें फल नहीं लगते वो एकदम खड़े हो जाते हैं। संस्कृत में श्लोक चलते हैं ऐसे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुल मिला के मुद्दा क्या है, सिद्धांत वाक्य क्या है? अरे सिद्धांत वाक्य है कि कषाय करने पर, क्रोध करने पर, मान करने पे, मायाचारी करने पे, लोभ करने पे, किसी भी प्रकार की कषाय करो, कषाय करने से हम जो साधन चाहते हैं, जो हम अपना फल चाहते हैं, अरे वो प्राप्त हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा? अरे सबसे पहले उसके निमित्त से कर्मों का बंधन तो हो ही जाएगा, स्वयं दुखी तो हो ही जाएगा। क्रोध करके दूसरों को दुखी करना चाहे या ना करना चाहे, स्वयं तो दुखी हो ही जाएगा। चारों ही कषायों में बात है। क्यों ऐसी बात क्यों है? क्योंकि पर वस्तु में जो परिणमन है वो स्वयं की योग्यता से होगा, उसे मेरे परिणमन कराने से तो होगा नहीं।
मैं ला के चाहूं कि नहीं भाई मेरे निमित्त से सामने वाले में परिणमन हो जाए, मैं चाहूं कि इसका बुरा हो जाए, तो मेरे चाहने से बुरा हो सकता है क्या? मैं लाख गाली दे दूं लेकिन अगर उसका पुण्य का उदय होगा, उसकी यशस कीर्ति पुण्य का उदय होगा, कर्म का उदय होगा, तो मैं लाख गाली दूंगा भी लेकिन अगर उसका यशस कीर्ति पुण्य का उदय होगा ना, तो उसे यश ही प्राप्त होगा, अपयश प्राप्त नहीं होगा। 1000 व्यक्ति और खड़े हो जाएंगे उसके सम्मान में। बोलो ऐसे न्यूज में ऐसी घटना आती कि नहीं आती कि भाई साहब सबको पता है कि हाँ इसने चोरी की है, सबको पता है कि हाँ इसने पाप किया है, लेकिन उसको बचाने वाले कितने खड़े हो जाते? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ऐसे कितने सारे केस होते हैं कि हमें पता है कि हाँ ये व्यक्ति निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया, लेकिन लेकिन अपयश की थी, कर्म का उदय आएगा तो क्या होगा कि हजारों व्यक्ति उसी पर दोष डालेंगे। भाई सभी को पता है कि सीता निर्दोष है, लेकिन जब अपयश कीर्ति कर्म का उदय आया तो निर्दोष होने पे भी आरोप लगे। श्रीपाल का उदाहरण आता है कि नहीं आता? श्रीपाल का उदाहरण सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। श्रीपाल राजा के साथ क्या हुआ कि समुद्र में जब वो नौका से जा रहे थे और उन्होंने उनको समुद्र में ही जो उनके सेठ के साथ जा रहे थे, तो सेठ ने धवल सेठ के साथ जा रहे थे, धवल सेठ ने बीच में उन्हें धोखा दे दिया और उन्हें समुद्र में धक्का दे दिया। समुद्र में धक्का दिया तो समुद्र तैर कर वो किनारे तक पहुंचे। लंबी घटना है, शॉर्ट में बता रहा हूं। समुद्र में तैरे, जहां पे गए उस राजा के यहां फिर वो रहने लगे, और राजा के यहां रहने पर उनकी जो पुत्री थी तो उनसे विवाह इत्यादि के प्रसंग बने, बराबर। अब वहां पर एक प्रसंग घटित होता है। क्या प्रसंग घटित होता है कि जो वहां पर मंत्री इत्यादि थे, ध्यान से सुनना, एक बहुत प्रसिद्ध घटना है और मतलब बहुत अच्छी है, जीवन में अपनाने योग्य है। क्या घटना है? तो जैसे ही श्रीपाल राजा के यहां पहुंचे और विवाह इत्यादि का प्रसंग बना, अब देखो बहुत सारे विवाह हुए थे उनके, तो राजा के यहां विवाह का प्रसंग बना, तो वहां पे जो मंत्री गण थे या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो जलते हैं, तो उन्होंने राजा के मस्तिष्क में ये बात डाल दी कि श्रीपाल जो है नपुंसक है। क्या बोल दिया? श्रीपाल जो है नपुंसक है, ये राजा के बात में मस्तिष्क में बात डाल दी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि अकेले में डाली हो, पूरी राज्यसभा में जब सब लोग बैठे हो, याद करना एक एक पंक्ति बता रहा हूं, जैसे वो पंक्ति में नहीं आती अपनी 10 लक्षण की पूजन में, जब आपको सब लोग बेइज्जती कर रहे हो, घर से निकाल रहे हो, घर से निकाल रहे, तन बिदारे, वैर जो ना तहा करे, अपमान कर रहे हो, जो दोष हम में नहीं है वो भी गिना रहे हो। क्या बोला? जो दोष हम में नहीं है वो भी गिना रहे हो। वो हमें चोर कह के चला गया, भाई आज तक हमने चोरी नहीं करी, वो हमें चोर कह के चला गया। जो दोष हम में नहीं है वो भी हमें गिराए जा रहे हैं। कोई हमें अश्लील कह के चला गया, कोई हमें चोर कह के चला गया, कोई क्रोधी कह के चला गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई हमने नहीं किए वैसे कार्य, तो भी हम पे आरोप आ जाते हैं, तो उसके लिए घटना है, बहुत प्रसिद्ध घटना। तो उनपे क्या आरोप लग गया? ये तो नपुंसक है, जो गुण उनमें नहीं है उसका आरोप लगा दिया गया, जो गुण हम में नहीं है उसका आरोप लगा दिया गया। तो बोलो श्रीपाल ने क्या किया होगा? सबकी गर्दनें पकड़ ली होंगी, क्या किया होगा? तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, समझने वाला, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनसे बस राजा ने पूछा कि ऐसी कोई बात है क्या? अगर ऐसी बात है तो कल प्रातः सुबह होते ही इनका मस्तिष्क डर से अलग कर दिया जाएगा, हाँ इनको फांसी की सजा दे दी जाएगी बीच चौराहे पे। बोलो पूरी सभा बैठी हुई है, राज्यसभा लगी हुई है, सारे मंत्री परिषद बैठे हुए हैं, और बीच में ये आरोप लगाया जाता है ये तो नपुंसक है। और नपुंसक होने पे सजा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अभी तक तुमने हमें बताया नहीं और तुम हमारी बेटी से शादी करना चाहते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? धोखा दे रहे हो तुम हमें। तो उसने राजा को इतना क्रोध आया तो श्रीपाल को ये सजा सुना दी। लेकिन श्रीपाल से पूछा गया कि तुम बताओ पहले ऐसा है कि नहीं, तो श्रीपाल ने कुछ नहीं बोला, समझना बात को, श्रीपाल ने कुछ नहीं बोला।
श्रीपाल ने कहा हाँ ऐसी बात है, ठीक है ये जो बोल रहे हैं ठीक है सही है, और ने ले गए। फिर बाद में पूरी घटना है, पूरी घटना नहीं सुना रहा हूं, फिर बाद में रहस्य उद्घाटन भी हुआ, सब कुछ हुआ। फिर बाद में श्रीपाल से पूछा गया, मूल बात यही मेरे को बतानी है आपको, श्रीपाल से पूछा गया कि भाई साहब जब आपको पता था कि आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं, सब कुछ गलत है, आपने उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया, आप बता देते और यहाँ पे दंड दिया जा रहा है, आप तो इतने ताकतवर हैं, आप चाहते तो तुरंत रहस्य उद्घाटित भी करवा लेते, चले भी जाते, सब कुछ कर लेते। उन्होंने बस एक ही उत्तर दिया कि जिस विषय में प्रमाण ना हो, दो तीन बातें बोली, बहुत सुंदर सुंदर है जीवन में अपनाने हो गया, दो तीन बातें क्या बोली कि भाई साहब जिस विषय में प्रमाण ना हो उस विषय में कथन करके कोई फायदा नहीं। पहली बात तो ये बोली, क्या बोली कि जिस विषय में प्रमाण ना हो उस विषय में बोलकर कोई फायदा नहीं, बोलकर कुछ मिलेगा नहीं। भाई हमारे पास प्रमाण तो नहीं है लेकिन हमें पता है कि हम सही हैं। अरे आप 10 को समझाओगे 10 में से एक मानेगा 9 नहीं मानेंगे, सुन तो सब लेंगे मानेगा कोई नहीं, लेकिन इससे होगा क्या कि अपना ही मन संकलेश होगा, समझा के कोई अर्थ मिलेगा नहीं। तो उन्होंने बोला जिस विषय में प्रमाण ना हो उस विषय में बोल का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात ये बोली अगर मेरा अपयश कीर्ति कर्म का उदय था तो मैं लाख भी समझाता ना, समझता कोई नहीं, मानता कोई नहीं, मैं आपको 101 तर्क भी दे देता, मैं आपको साक्षात दिखा भी देता ना कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन अगर मेरे अपयश कीर्ति कर्म का उदय चल रहा होता, चल रहा होगा, मैं कितना ही समझाने का प्रयास कर लूंगा आपको, आप समझते ही नहीं। तो बोलो उस समय में संकलेश करके क्या मिलता। तो इसलिए सबसे अच्छा उपाय मैंने ये निकाला कि जो जैसा है वैसा स्वीकार कर लो। ये श्रीपाल चरित्र में ऐसा घटना है, उन्होंने कहा जो वस्तु जैसी है वैसी मैंने स्वीकार कर ली, मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर मेरे कर्मों की निर्जरा होनी थी, अपयश कीर्ति कर्म का उदय आया, आपने मेरे पर आरोप डाल दिया, ठीक है आरोप डाल दिया तो ठीक है स्वीकार कर लिया, और जैसे ही आपने अभी मेरे को बंधन से मुक्त करा दिया क्योंकि मेरे अपयश कीर्ति कर्म का उदय आ गया, आपके समक्ष प्रमाण भी उपस्थित हो गए, प्रमाण मतलब उसके पूर्व की पत्नी वहां पे उपस्थित हो गई थी, फिर उससे पूरा वृत्तांत सुना गया तो पूरी घटना घटित हुई। तो श्रीपाल ने कहा कि जब प्रमाण भी उपस्थित हो गया, मेरे यशस कीर्ति कर्म का उदय भी आ गया, तो सहज ही बात सामने भी आ गई। तो बोलो अब मैं संकलेश करके क्या करता, मैं आपको समझाता भी तो आप समझते नहीं, लेकिन मेरा संकलेश परिणाम तो ही जाते। तो उन्होंने कहा सबसे अच्छी चीज है दुनिया में क्या है कि जो जैसा है उसको स्वीकार कर लो, जो वस्तु जैसी है वैसे स्वीकार कर लो। भाई सामने वाला आरोप डाल रहा है, सामने वाला दुखी है इसलिए आरोप डाल रहा है, क्या बोला, सिर्फ बात इतनी नहीं है कि अगर हमें दूसरों को दुख देना हो तो स्वयं दुखी होना पड़ेगा, बात इतनी सी नहीं है सिर्फ, अरे ये भी बात है कि सामने वाला अगर हमें गाली दे रहा है तो वो भी तो दुखी हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अगर वो दुखी नहीं हो रहा होता तो हमें गाली कैसे देता, दुख के बिना गाली नहीं निकल सकती, दुख के बिना अपशब्द नहीं निकल सकते। तो आचार्य तो ये कहते हैं, व्यक्ति ने श्रीपाल ने तो ये कहा अगर मैं प्रतिकार करता भी तो क्या फायदा होता, वो व्यक्ति पहले से ही दुखी है और मैं उनका प्रतिकार करता और ज्यादा दुखी हो जाते। सामने वाला गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है तो वो दुखी है, सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि भाई मैं गाली दे रहा हूं तो मैं दुखी हूं तभी दे रहा हूं, सामने वाला दे रहा है तो भी तो वो दुखी है। तो बोलो उस दुखी व्यक्ति के सामने जब वो वैसे कार्य कर रहा है तो हम दुखी क्यों हो, जैसे कोई छोटा बच्चा हो और वो एकदम छोटे बच्चे होते हैं ना एकदम से जब चिड़चिड़े से हो जाते हैं तो बहुत ही कहीं भी कुछ भी करने लगते हैं, हाथ पांव पटकने लगते हैं, तो हम क्या समझ जाते हैं, अरे चिड़चिड़ा है इसलिए ऐसा काम कर रहा है, खाना भी नहीं खाना, भूखा भी है तो भी नहीं खाना, चिड़चिड़ा हो रहा है इसलिए कर रहा है, इसे कहीं भूख लग रही होगी इसलिए ऐसा कर रहा है, अंदर से दुखी है इसलिए कर रहा है। बात समझ में आती है कि नहीं आती, बच्चों में तो एकदम सहज समझ में आ जाती है। तो हम उस बच्चे पे क्रोधित होते हैं क्या, हम उस बच्चे को चिल्लाते हैं क्या, क्यों नहीं चिल्लाते, क्योंकि हमें पता है कि भाई अंदर से चिड़चिड़ा है और चिल्लाएंगे तो और चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो हमें उसे प्यार से समझाना पड़ता है, ऐसा होता है कि नहीं होता, जो बच्चे जितने चिड़चिड़े हों उन्हें उतनी शांति से समझाना पड़ता है,
कि भाई भूखा है तो चलो ठीक है चिल्ला रहा है, लेकिन अगर खाना दे देंगे तो शांत हो जाएगा, ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर चिड़चिड़े बच्चे पे और चिड़चिड़ा दे तो क्या होगा कि सिर्फ चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा सब कुछ पूरा माहौल, हाँ करेला ऊपर से निपचड़ा हो जाएगा। तो ये बात हमें यहाँ पे समझ में आ जाती है बच्चों को देखते हुए। लेकिन भाई लौकिक में सबके साथ है, कोई यदि सामने से क्रोध कर रहा है तो सबसे पहले वो दुखी है इसलिए क्रोध कर पा रहा है, दुखी नहीं होता तो क्रोध नहीं कर पाता। अब ऐसे व्यक्ति पर मैं क्रोध करके क्या करूं, वो पहले से दुखी है, मुझे उसको देख के पहले से ही ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो पहले से दुखी है, ये मुझे गाली दे रहा है लेकिन दुखी है, तो मैं मुझे तो तरस आ रहा है उस व्यक्ति पर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई व्यक्ति लोभ कर रहा है तो लोभ कर रहा है क्योंकि वो पहले से दुखी है तभी लोभ कर रहा है। अब ऐसे व्यक्ति के सामने मैं क्यों क्रोध करूं, मैं क्यों उससे ईर्ष्या करूं? कोई ईर्ष्या कर रहा है इससे साफ समझ में आ रहा है वो पहले से दुखी है। अगर ईर्ष्या करने वाला दुखी ना हो तो ईर्ष्या नहीं कर सकता। ईर्ष्या करने वाले ने पहले स्वयं जला है अंदर, उसने ईर्ष्या की अग्नि में जला है, तो मुझे तो उसको देखते हुए एक भद्र परिणाम हुए, एक ऐसे परिणाम हुआ अरे क्यों ये तृष्णा कर रहा है, ऐसे आचार्यों ने लिखा है। मतलब आचार्य क्रोधी के प्रति क्रोध क्यों नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है ये तो पहले से ही दुखी है, इसके प्रति क्रोध करके इसको संताप में डाल के क्या फायदा। उन्हें तो इसे देख के, सामान्य पुरुषों को इसको देख के तो एक समता परिणाम आता है, अरे ये तो पहले से दुखी है, ये गाली दे रहा है क्योंकि दुखी है, इसको देख के मैं क्यों क्रोध करूं। कोई मानी है एकदम मानी, अरे मानी है इससे पता चल रहा है पहले दुखी है तब मान कर पा रहा है, दुखी नहीं होता तो मान नहीं कर पाता, तो अरे इसको देख के मैं क्यों तृष्णा करूं, मैं क्यों दुखी हूं इसको देख के। कोई मायाचारी कर रहा है क्योंकि वो पहले से दुखी है, कोई मायाचारी कर रहा है अगर दुखी नहीं हो तो मायाचारी नहीं कर पाएगा। जगत का नियम है मायाचारी करने के लिए पहले दुखी होना पड़ेगा। तो अगर हमें दिख रहा है कि हाँ सामने वाला छल कपट कर रहा है हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने काम हमने किया लेकिन श्रेय वो ले रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता? अपने सामने भी मंदिर की पूरी साज सज्जा देख रेख हमने करी लेकिन श्रेय वो ले रहा है, घर में खाना हमने बनाया लेकिन श्रेय वो ले रहा है, दुकान हमने चलाई मेहनत हमने करी लेकिन श्रेय वो ले रहा है। हाँ वही तो, हाँ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमें देखना चाहिए दुनिया में कि भाई साहब हमारी आंखों के सामने भी अगर ऐसे कार्य हो रहे हों, मायाचारी के कार्य हो रहे हों, तो समझना भाई वो पहले से ही दुखी है व्यक्ति, वो पहले से दुखी है, उसे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। अगर वो मायाचारी करके श्रेय लेना चाहता है कि हाँ कोई तो हमें तारीफ कर दे, पहले से ही दुखी है वो व्यक्ति। अब ऐसे दुखी व्यक्ति के प्रति भी हम दुखी होकर क्यों क्रोध करें? जब वो व्यक्ति दुखी है तो हमें तो समता परिणाम आने चाहिए, अरे ये मायाचारी कर रहा है मतलब दुखी है, दुखी होकर ऐसे मायाचारी कर रहा है, तो हमें तो समता के परिणाम आते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि अरे क्यों दुखी हो रहा है, इसे श्रेय चाहिए। ठीक है दो शब्द श्रेय के दे दो, कषायी व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, उनकी कषाय की पूर्ति कर दो वो शांत हो जाते हैं। क्या बोला? कषायी व्यक्तियों की कषाय की पूर्ति कर दो वो शांत हो जाएंगे। अगर मायाचारी करके श्रेय चाहता है तो दो शब्द मीठे बोल दो वो शांत हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें तो ये विचार करना चाहिए कि अगर ऐसे कार्य हो रहे हो तो भाई साहब ये दुखी हो रहा है, मैं क्रोध करके एक तो स्वयं दुखी हूं और फिर सामने वाले को दुखी करूं और ज्यादा, क्या फायदा है इसका? आचार्य पूरी गाथा में बस यही कह रहा है, आचार्य पूरी गाथा में क्या कहा कि भाई साहब त्रिअंगुल को यदि तुम नीचे झुकाना चाहोगे तो स्वयं भी नीचे झुकना पड़ेगा, यही तो बोला आचार्य ने, त्रिअंगुल को यदि नीचे झुकाना चाहते हो तो स्वयं भी नीचे झुकना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई विराधक जीव है तो दूसरों पे दुखी होकर क्रोध क्यों करता है, दूसरों को क्यों डांटता है, दूसरों पे क्रोध क्यों करता है, क्यों स्वयं दुखी होता है? तो ऐसी पूरी बात इसमें आचार्य ने कहा, आचार्य ने पूरी बात इसमें ऐसी कही है। इसलिए कषाय करके ना स्वयं दुखी होना चाहिए और ना दूसरों के दुख में निमित्त कारणभूत बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अपन भी अपने जीवन में समता परिणाम डालें।
ना स्वयं दुखी हो ना दूसरों को दुखी करने के निमित्त बने, स्वयं प्रसन्न रहें, और जितने ज्यादा प्रसन्न होंगे दूसरों को प्रसन्न करने के उतने ज्यादा निमित्त बने, बराबर। तो ऐसा जीवन भी अपना बने, इसी मंगल भावना से अभी की बात को।